Good evening, students. Our next topic is mixing of two gases. Mixing of two gases में क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक जार रखा हुआ है जिसमें सिर्फ एयर है जो कि कलरलेस है, और दूसरा जार है उसमें क्या है, ब्रोमाइन वेपर्स हैं जिसका कलर क्या है, रेड ब्राउन वेपर्स होते हैं. एयर इज ए कलरलेस गैस. When a gas jar is empty, it is actually filled with air. मतलब ये जो गैस जार है ये क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, और इसमें सिर्फ एयर फिल हुई पड़ी है जो कि कलरलेस है. This is because since air is colorless, we cannot see it in the gas jar. एयर कलरलेस होने की वजह से हम गैस जार में नहीं देख पा रहे कि उसमें एयर है. ब्रोमाइन इज ए रेड ब्राउन लिक्विड. ये क्या है, ब्रोमाइन है यहाँ पे इस जार में, ये रेड ब्राउन लिक्विड है. इट फॉर्म्स वेपर इजिली. इसके वेपर्स इजिली फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं. एंड इट इज हैवियर देन एयर. और ये एयर से हैवी होती है. अब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. एक गैस जार है जिसमें एयर है जो कि अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार, जो कि ब्रोमाइन जो वेपर्स हैं, जो कि ब्रोमाइन रेड ब्राउन लिक्विड है, उसके ऊपर जो गैस जा रहा है उसमें एयर है. हम क्या देख रहे हैं कि जो रेड ब्राउन वेपर्स इस लोअर गैस जार में बन रहे हैं, जो कि रेड ब्राउन लिक्विड था उसमें वेपर्स बन रहे हैं, उस कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो गैस जार होगा एयर वाला, इसमें कम्प्लीटली रेड ब्राउन वेपर्स जो है फिल हो जाएंगे. ठीक है, पहले क्या था, इसमें कलरलेस एयर थी, एयर वेपर्स थे, और ये गैस जार जो था एम्प्टी लग रहा था क्योंकि एयर का जो कलर होता है कलरलेस होता है. और जो नीचे वाला गैस जार है वो रेड ब्राउन लिक्विड है, इस पर वेपर्स इजीली प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. कुछ समय बाद क्या होगा कि ये वेपर्स जो हैं इस गैस जार में फिल हो जाएंगे. उस ये एक्सपेरिमेंट अब हमें क्या बताता है कि जो एयर और ब्रोमाइन वेपर्स हैं ये दोनों ही कैसे बने हुए हैं, टाइनी मूविंग पार्टिकल से बने हुए हैं. ये जो मूविंग पार्टिकल्स होंगे ब्रोमाइन वेपर्स के और एयर के, ये कोलाइड होंगे यहाँ पे एक दूसरे से, और जब कोलाइड होंगे ये किसी भी डायरेक्शन में जो है बाउंस हो सकते हैं, क्योंकि ये एयर जो होगी और जो ब्रोमाइन वेपर्स होंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे. इस ये जो एग्जांपल होती है ये डिफ्यूजन की एग्जांपल होती है. ठीक है, अब हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था गैस जार वाला जिसमें एयर और ब्रोमाइन वेपर्स मिक्स हो जाते हैं और बाउंस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, अब ये इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. इसकी दो कंडीशन कॉन्क्लूजन्स, दो रिजल्ट निकल के आते हैं. पहला क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है, और दूसरा कॉन्क्लूजन क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो ये कॉन्क्लूजन्स होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के. Thank you.